ऑल राइट, रेडी टू गो? चले ओके. मैप, मैप इज ऑन, पर ये इट्स नॉट टिल्टिंग. आई डोंट नो व्हाई. एनीवेज, लेट्स गो. हो जा यार, टिल्ट हो जा. ओके छोड़ो. एनीवेज, वी आर गोइंग टू फॉलो द लीडर. सो दिस इज जस्ट फॉर आर यू नो काइंड ऑफ डायरेक्शन देखने के लिए. सो इट इज़ अराउंड 3:34 PM राइट नाउ. सन हैज़ गॉन डाउन, तो इतनी धूप नहीं लग रही है. एंड वी आर गोइंग टू गो टू विजय दुर्ग राइट नाउ. उसके बाद प्रोबेबली वील गो टू द देवबाग बीच. और ये क्या, आर फर्स्ट सेट ऑफ काउज आर हियर. ये नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आता ना बिल्कुल भी. द मैप इज़ नॉट येट टिल्टिंग. छोड़ो, फॉरगेट इट. ओ वाओ, स्कूल छूट गई है. एंड दीज ग्रुप ऑफ किड्स अपने अपने ग्रुप में स्कूल छूटने के बाद ऐसे गप्पे मारते बैठे हैं. कोई ट्री के इधर बैठा है, पीपल आर वॉकिंग अराउंड, आइसक्रीम खाते हुए जा रहे हैं. इट्स काइंड ऑफ फन, नो? स्कूल छूटने के बाद का जो इमोशन होता है कि ओके आई एम डन विद द डे, नाउ इट इज़ आवर प्ले टाइम, नाउ इट इज़ मी टाइम. और ये है अपनी गाँव की स्कूल विथ अ बिग प्ले ग्राउंड. टुडे मॉर्निंग वी जस्ट वेंट फॉर अ वॉक. मॉर्निंग इन द सेंस नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग. आज दिन में तो वी हैड एक्चुअली डिसाइडेड टू बी हियर इन पडेल, एक्सप्लोर द विलेज, जस्ट यू नो टेक अ वॉक अराउंड द विलेज. कैसे है यहाँ पे सब कुछ, तो हम लोग ऐसे ही चले गए थे. देर वॉज अ क्रीक नियर बाय, सो वी वॉन्टेड टू वॉक टिल देर, बट बहुत दूर था वो. तो हम लोग मिडवे से वापस आ रहे थे. एंड एट दैट टाइम वी जस्ट हैपन टू सी दैट टेम्पल, वेरी ओल्ड टेम्पल अगेन. यहाँ पे सारे पुराने पुराने मंदिर ही हैं. सो आई वेंट टू दैट पर्टिकुलर टेम्पल, शंकरेश्वर या ऐसा कुछ नाम था. वेरी ब्यूटिफुल इट वॉज. सो वो देख के आए एंड देन वी केम बैक एंड देन यश डोज्ड ऑफ. सच अ क्वाइट आफ्टरनून. आई वॉज एबल टू हियर ऑल द बर्ड्स चर्पिंग. सामने एक अंकल जो है वो लकड़ी काट रहे थे. एंड आई कुड फील दैट द पीपल आर सो रिलैक्स्ड. एंड तभी मुझे मतलब ऐसे लगा कि वाओ, दिस इज़ हाउ माई आफ्टरनून शुड बी. एंड नाउ वी हैव रीच्ड पडेल कैंटीन. अब यहाँ से राइट लेके सीधा विजय दुर्ग है शायद. ऑल राइट, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि दोपहर को इतना पीसफुल टाइम स्पेंड किया मैंने. एंड आई वॉज लाइक बस यही तो चाहिए. आई डोंट वॉन्ट टू रश 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 ऑल द टाइम. जस्ट सिट एंड रिलैक्स, फील द नेचर, फील द इन्वायरमेंट. एंड इट्स जस्ट लाइक अ यू नो मेडिटेशन दैट आई फेल्ट एट दैट टाइम. बस कुछ हाफ एन आवर एंड सो आई वॉज सिटिंग देयर एंड देन आई केम इनसाइड. बट दैट वुड स्टे विथ मी लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट एंड दैट आफ्टरनून. इट वुड स्टे विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ लेट्स चेक आउट हाउ विजय दुर्ग इज़. रोड तो काफ़ी अच्छा है यार, मतलब टिल राजापुर. राजापुर तक तो इतना ख़राब पैच था और उसके बाद द रोड्स आर वेरी वेरी नाइस. लाइक राइट नाउ वॉट यू सी हियर, राजापुर से पडेल तक और अभी विजय दुर्ग भी जा रहे हैं, तो रोड्स आर वेरी नाइस एक्चुअली. There are so many forts actually around. There is Devgarh Beach, Devgarh Fort, Vijaydurg Fort, and of course there are so many other historical places around. But itna sab kuch to abhi ek trip mein, ek din mein cover nahi hone wala hai. So that is why we decided to go to Vijaydurg, and uske baad either the Meta Beach or the Devgarh Beach. Humpty is parked across the coast of Arabian Sea near Vijaydurg Fort. और ये है view. Humpty is looking at the view. Okay,
सो अपेरेंटली आगे भी जाके पार्क कर सकते हैं नियर द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट. सो लेट्स गो देयर नाउ. गोल्डन आर की शुरुआत होगी अभी थोड़ी देर में. इज दिस द एंट्रेंस? नहीं, और आगे जा सकते हैं ना. अच्छा, वी हैव टू पार्क हियर ओनली. ठीक है. ये पार्किंग ना थोड़ा जमता नहीं है मुझे कभी कभी. पहुंच गए यार, सच अ ह्यूज फोर्ट. चलो अभी गेट के अंदर चलते हैं. चलो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर द विजयदुर्ग फोर्ट. वैसे आई डोंट नो मच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस. अरे ये क्या आ रहा है सामने से? इज दिस वन एंग्री? ओम तो डर के भाग आया इससे. द व्यू देयर इज अमेजिंग. हेलो, ऑलराइट, ही लेट मी गो. सो चलते हैं आगे फिर. आई हैव सीन अ स्ट्रक्चर लाइक दिस व्हेन आई विजिटेड हम्पी. इट्स आई थिंक पुष्करणी वगैरह था, वैसे था यहाँ पे. इट्स ये यहाँ से अभी जो व्यू दिखने वाला है, मतलब वो तो आउटस्टैंडिंग. व्हेन आई एम वॉकिंग अराउंड दीज स्ट्रक्चर्स हियर, द ओनली थिंग दैट कम्स इनटू माय माइंड इज पुराने जमाने में यहाँ पे कितने सारे लोग होते होंगे ना. कितना मजा आएगा ना ऐसे चलते चलते हम लोग. सडनली यू नो गेट टू गो इनटू अ वर्म होल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड गो बैक इनटू देयर टाइम एंड यू आर स्टिल वॉकिंग अराउंड, बट टाइम चेंज हो गया है.